गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, शक्ति की अवधारणा में शक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि शक्ति जो है उसको प्रयोग में लाने की कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे शक्तियों जो है उसको प्रयोग में लाया जाता है, शक्ति और बल में क्या अंतर है, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, शक्ति जो है वो साध्य है या साधन है, इन सब बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शक्ति को प्रयोग में लाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, टेक्निक्स फॉर यूज़ ऑफ पावर। हम माने कि दो राष्ट्र हैं या एक क और ख, और उनके बीच में एक समस्या है, और हम ये भी कल्पना करें कि क तो कुछ करना चाहता है और ख उससे भिन्न कुछ करना चाहता है, यानी जो क और ख जो है दोनों की परिस्थितियों में अंतर है, और जो क है वो ख को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। इसी तरह से दो व्यक्ति, दो राष्ट्र जो है वो एक दूसरे के बिहेवियर को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और प्रभावित करने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए इसके लिए उनके पास कई विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि वो एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे को प्रलोभन दे सकते हैं, धमकी का प्रयोग कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वह बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम शक्ति को देखें तो शक्ति को यूज़ लाने के, शक्ति को प्रयोग में लाने की जो है चार विधियाँ हैं। सबसे पहली है समझाना, पर्सुएशन। इसका मतलब है कि ये शक्ति का प्रयोग जो है उसको करने का सबसे इजी जो तरीका है वो यही है। यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को समझाने बुझाने पर दूसरा राष्ट्र मान लेता है और उसका परिणाम तो स्थायी होता है, तो इस पद्धति के प्रयोग में लाने में क को केवल एक राष्ट्र को सिर्फ यही काम करना होगा कि वह संपूर्ण परिस्थिति को इस प्रकार से समझाए दूसरे राष्ट्र को कि वह इस संबंध में अपना विचार बदल ले और उसकी बात को मान ले। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी जो है उसका आधार समझाने की विधि ही है। जो भी राजनयिक होते हैं, जो भी एम्बेसडर्स होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र में, वो जो है समझाने के तरीके के अनुसार ही व्यवहार कराने के लिए अपने लॉजिक से, अपने इंटेलिजेंस से दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अगर एक राजनयिक है, उसकी सफलता का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है कि प्रलोभन, दंड, शक्ति की विधियों का सहारा लिए बिना समझाने से वो किस तरह से अपनी बात को मनवा सकता है। दूसरा जो है वो है प्रलोभन या रिवार्ड्स। शक्ति को प्रयोग में लाने की दूसरी जो टेक्निक है, दूसरा जो तरीका है वो है प्रलोभन। हमने अभी एग्जांपल लिया दो राष्ट्र क और ख, तो एक राष्ट्र क है, दूसरा राष्ट्र ख है, तो क के पास ख के आचरण को अनुकूल बनाने की जो दूसरी पद्धति है वह है प्रलोभन या प्राइस या रिवॉर्ड्स या पारितोषिक। इस टेक्निक में क्या होता है कि एक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र को प्रलोभन का वचन देकर उसके बिहेवियर को अपने हिसाब से ढालने की, प्रभावित करने की कोशिश करता है। ये जो प्रलोभन है ये चार प्रकार के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, भौतिक हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है और पॉलिटिकल हो सकता है। जो बहुत सामान्यतः जो प्रलोभन होते हैं वो भौतिक होते हैं, जैसे कि क राष्ट्र जो है वो ख राष्ट्र को कहेगा कि भाई अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो सैनिक सहायता आपको दी जाएगी, प्रशिक्षण की सुविधाएं, सैनिक अड्डे, भूप्रदेश आदि को देने का प्रलोभन दे सकता है। अगर आज वर्तमान की हम बात करें तो जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यदि हम देखें तो अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीतियाँ अपनाई गई थी वो इसी प्रलोभन शक्ति का विधि जो है वो कही जा सकती है। राजनीतिक प्रलोभन के अंतर्गत जो है अपने से जो सबॉर्डिनेट राज्य है, अपने से जो कम शक्तिशाली राज्य है उसको स्वाधीन करने की बात, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य राज्य के दृष्टिकोण को समर्थन देने की बात जो है वो आती है। थर्ड जो तरीका है वो है दंड या पनिशमेंट। शक्ति का प्रयोग में लाने का जो तीसरा तरीका है वो है दंड की धमकी देना। यदि ख राष्ट्र जो है क के समझाने से भी, प्रलोभन के बावजूद भी वह वही काम करता है, तो क जो है उस स्थिति में ख को दंड की स्थिति धमकी दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम देखें तो दंडात्मक कार्यों की कार्यान्विति आए दिन होती रहती है।
परंतु अगर हमें दंड को, पनिशमेंट को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि धमकी केवल दी ना जाए, उस धमकी केवल दी जाए, उसे प्रयोग में ना लाया जाए। फोर्थ जो टेक्निक है वो है बल या शक्ति या फोर्स। शक्ति के प्रयोग में लाने का जो अंतिम तरीका है वो है बल या पावर या फोर्स। और दंड और बल के प्रयोग में भेद करने की आवश्यकता है। दंड की निरोध जो है उसके धमकी के रूप में दी जा सकती है, परंतु जब शरीर में धमकी का प्रयोग जब वास्तव में अमल किया जाए तो वह बल प्रयोग बन जाती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यदि हम बल प्रयोग देखें तो इसका सबसे जो एक्सट्रीम जो रूप है वो है युद्ध, वॉर। और इसमें बल प्रयोग जो है वो अंतिम चरण पे है। उसका प्रयोग केवल उसी समय होता है जब संबंध राष्ट्र को समझाने से अथवा धमकी से अपने आचरण को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो शक्ति के प्रयोग के साधन के रूप में बल प्रयोग सहारा जो है वो आखिरी हथियार के रूप में काम में लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो शक्ति की अवधारणा जो है उसमें हम देखते हैं कि शक्ति और बल को एक ही समझा जाता है, शक्ति और प्रभाव को भी एक ही समझा जाता है, जबकि ये अलग अलग हैं। शक्ति और बल, पावर और फोर्स में क्या अंतर है कि शक्ति और बल में जो है स्पष्ट अंतर है। बल प्रयोग शक्ति का उपकरण है और जहाँ पे भी बल प्रयोग किया जाता है वहाँ राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है जबकि शक्ति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शक्ति अपनी प्रकृति से बल की तुलना में एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल जो है वो एक भौतिक क्षमता है। बल की तुलना में शक्ति जो है वो एक विस्तृत अवधारणा है। और शक्ति और प्रभाव जो है, शक्ति में प्रभाव और बल जो है वो दोनों ही पाए जाते हैं, किंतु अप्रकट शक्ति में बल की तुलना में प्रभाव अधिक होता है, जबकि प्रकट शक्ति में प्रभाव की तुलना में बल जो है वो अधिक होता है। सरल शब्दों में हम कहें तो शक्ति अदृश्य है जबकि बल प्रयोग जो है वो दृश्य है। यानी बल जो है वो हिंसा पर आधारित है, शक्ति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है, प्रभाव है। अब हम बात करते हैं शक्ति और प्रभाव, पावर और इन्फ्लुएंस। यदि शक्ति से बल प्रयोग, दंड, हिंसा को निष्कासित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वह प्रभाव में परिवर्तित हो जाती है, इन्फ्लुएंस में परिवर्तित हो जाती है। प्रभाव एक बल रहित तत्व है। अगर हम कार्ल जे फेडरिक की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा है, प्रभाव गुप्त शक्ति है, वह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है। रॉबर्ट डहल है, उन्होंने कहा कि प्रभाव जो है वो व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, संगठनों और राज्यों से संबंधित है। और इसमें विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो वह प्रभावकर्ताओं से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने हिसाब से कार्य कराने के लिए उसे प्रेरित करता है, जो कि वो नहीं करना चाहता है। तो शक्ति और प्रभाव में यदि हम अंतर देखें तो मोटे मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल और प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। प्रभाव में आग्रह, विनय और नैतिकता होती है। यानी प्रभाव, शक्ति जो है उसमें बल होता है और प्रभाव में हम उसको आग्रह करते हैं, हम उसको विनय, हम उसको आग्रह करके नैतिकता के आधार पर उसको समझाने की करते हैं। जब शक्ति जो है वो प्रकृति से बाध्यकारी भी होती है। दूसरा अंतर यदि हम शक्ति और प्रभाव में देखें तो शक्ति भय, दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है, जबकि प्रभाव जो है वो सहमति पर आधारित होने के कारण डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। शक्ति के प्रयोग में देखा जाता है कि शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है, जबकि प्रभाव का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। शक्ति और बल जो प्रयोग है वो भौतिक शास्त्रों पर आधारित होते हैं, अतः उनका प्रयोग जो है सीमित हो सकता है। लेकिन यदि प्रभाव एक बार अर्जित कर लिया जाए तो फिर उसके प्रयोग की कोई सीमा नहीं होती। बल शक्ति हालांकि एक भौतिक तत्व है, उसे बाह्य तत्व भी कहते हैं, ये बाध्यकारी होता है, किंतु इन्फ्लुएंस, प्रभाव जो है वो एक नैतिक तत्व है और इसे आंतरिक तत्व भी कहा जा सकता है। शक्ति एक बाध्यकारी तत्व है और इसका प्रयोग जिस पर किया जाता है उसे उसकी अनुपालना करनी ही होती है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जबकि प्रभाव जो है वो एक अनुनय की जो एक मेंटल स्टेट है, इसमें हम
आग्रह कर रहे हैं और जिसका प्रयोग कर जिस पर ये प्रयोग किया जाता है वह इसकी अनुपालना के लिए, इसको मानने के लिए विवश नहीं होता। उसके पास और ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, वो चाहे जो कर सकता है। शक्ति जो है वो बाध्यकारी होती है, जिन पर प्रयोग किया जा रहा है उनके बीच में कटुता भी आ सकती है, कड़वाहट भी आ सकती है, किंतु प्रभाव जो है वो एक नैतिक और मानसिक प्रक्रिया है। प्रभावित व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति के बीच में मानसिक सामंजस्य भी पैदा हो सकता है और जो आपस में जो है सद्भाव जो है वो लेके आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शक्ति जो है वो साधन है या साध्य है, पावर एज एन एंड और एज अ मीन्स। तो पहले हम देखेंगे कि शक्ति जो है वो एक साधन है और उसके बाद हम देखेंगे शक्ति एक साध्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या एक साधन है, राज्य एक दूसरे राज्य के व्यवहार को क्यों नियंत्रित करना चाहता है, जिस प्रकार से धन एक साधन है, धन से अन्य चीज़ें खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार शक्ति जो है वो विदेश नीति का एक साधन है और शक्ति के माध्यम से ही विदेश नीति के जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति एक साधन है, शक्ति के माध्यम से एक राष्ट्र को प्रतिष्ठा जो है वो, कच्चा माल, सुरक्षा, मित्र जो हैं वो सब प्राप्त हो सकते हैं। तो अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए शक्ति जो है वो एक साधन मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी जो है राष्ट्र जो है वो शक्ति को साध्य भी मानने की भूल करते हैं। राजनीतिक ये मानते हैं कि शक्ति जो है वो छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल प्रयोग करने की प्रवृत्ति या धमकी जो है वो शक्ति को साध्य में परिवर्तित कर सकती है। जैसे हिटलर और मुसोलिनी के लिए शक्ति साधन ना होकर साध्य थी, और अगर हम मॉर्गेंथो का राजनीतिक यथार्थवाद देखें तो उसके यथार्थवाद का भी यही निष्कर्ष है कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर, राष्ट्रीय शक्ति को, राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। अतः शक्ति ही राष्ट्रीय हित है और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसका अंतिम उद्देश्य जो है वो शक्ति को प्राप्त करना है। तो शक्ति जो है वो साध्य भी है और साधन भी है। जहाँ शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है, वहाँ दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन भी हो सकती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखें तो शक्ति जो है वो साधन इसलिए है क्योंकि इससे राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है, और साध्य इसलिए है क्योंकि शक्ति का आधिपत्य बना रहना राष्ट्रीय हित की सुगम सिद्धि के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। अमेरिका और चाइना की हम बात करें और उनको बहुत पावरफुल माना जाता है, तो कई बार जो है छोटे छोटे राज्य जो है उनकी संचित शक्ति के भय को ही, भय से ही उनकी बात मान लेते हैं और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ये संचित शक्ति जो है वो अमेरिका और चीन के लिए साध्य बन जाती है। तो शक्ति जो है वो साध्य भी है और साधन भी है। थैंक यू सो मच।